Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. So I hope you guys have watched my last video and you know that I have been allotted a college in Bhopal. So I'm very excited about that and आज का vlog इसी बारे में होने वाला है. So हम लोग कल भोपाल जा रहे हैं, हमारी tickets book हो चुकी हैं. और मैं इसलिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं मेरे कॉलेज में पहली बार जा रही हूँ एडमिशन कराने, तो मैं इसलिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ. और मैं आज तक भोपाल गई भी नहीं हूँ, मैंने सुना है वो बहुत सुंदर सिटी है, तो वैसे भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भोपाल जाने के लिए. सो अभी हमें एडमिशन, मतलब मुझे एडमिशन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं. मतलब मैंने कॉपीज़ करा के रख लिया, मुझे उन्हें सेट्स में अपने फाइल में अरेंज करके रखना है. और अभी हम कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ पे हमें कुछ स्टैम्प पे पेपर वर्क है तो वो कराने हम कोर्ट जा रहे हैं. तो आई टेक यू गाइज विथ मी एंड देन विल कम होम एंड अरेंज द डॉक्यूमेंट्स एंड पैक आर बैग्स एंड गो टू भोपाल. आई एम सो एक्साइटेड. एंड फिर मैं आपको थोड़ी बहुत बातें और बताऊंगी, जो मतलब जैसे मुझे कॉलेज मिला है उसके बाद मुझे काफ़ी सारे लोगों ने थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं कि मेरा कॉलेज अच्छी जगह पे है. और यू नो भोपाल इज़ अ सिटी ऑफ लेक्स, तो एक अच्छी लेक भी है मेरे कॉलेज के पास, तो उसके भी फोटोज़ वगैरह आए हैं मेरे पास. तो आई शो यू दैट एंड विल अरेंज द डॉक्यूमेंट्स एंड पैक आर बैग्स टुगेदर. सो मतलब माई बैग. तो अभी मैं जाती हूँ कोर्ट, आप लोग भी चलो. बाय, आई विल सी यू. ये कोर्ट का रास्ता ही है. तो जब हम लोग लास्ट टाइम कोर्ट आए थे तो पापा ने मुझे एक बात बताई थी. यहाँ पे हमें एक अंकल मिले थे, मेरे दादाजी पुलिसमैन थे तो उनका कोर्ट में आना जाना था. तो यहाँ पे एक अंकल थे, वो मेरे दादाजी के दोस्त थे. तो मुझे मेरे दादाजी की एकदम से याद आ गई थी, अगर मेरे दादाजी होते तो वो बहुत खुश होते थे कि मैं डॉक्टर बन रही हूँ. बट ही पास्ड अवे व्हेन आई वाज लाइक 2.5 ईयर्स ओल्ड. अब यहाँ पे स्टैम्प वर्क होगा. हाय अगेन. सो हम सुबह मिले थे, राइट? मैंने सुबह व्लॉग किया था, पर उसके बाद मैंने व्लॉग इसलिए नहीं किया. अभी 9 बजने वाले हैं, उसके बाद मैंने व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि आई एम नॉट यूज टू व्लॉगिंग एंड आई एम यूज टू अदर बैड हैबिट्स, राइट? लाइक स्लीपिंग. आई स्लेप्ट द होल डे एंड देन वी वेंट फॉर सम अदर वर्क. यू नो कल जाना है तो फिर सारे काफ़ी काम था तो वो सब किया था. उसके बाद अब सुबह जो बात की थी कि मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट्स सॉर्ट करने हैं, मतलब ये है कि जो सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी मैंने बहुत सारी कॉपीज़ करा दी हैं, पर मुझे अभी इनको सॉर्ट करके रखना है, लाइक मतलब सेट्स बना के. और तब तो मैं गाजर का हलवा खा रही हूँ, मम्मा ने बनाया, आपको खाना तो आप ही खा लो. सैड लाइफ. जल्दी जल्दी इसको सॉर्ट करते हैं. तो मैं सारे एक्चुअली मेरे पास एक कहाँ है वो, सो ये लिस्ट है जो पापा लेके आए थे, इसमें सब कुछ लिखा है कि कल कॉलेज में क्या क्या लगने वाला है. तो मैं इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करने वाली हूँ. और गाजर का हलवा भी खाते जाना चाहिए साथ साथ में, तो इसमें से देख देख के बैठते हैं. अलॉटमेंट लिस्ट. एक्चुअली मैं एंगल चेंज करती हूँ. Now you see the time lapse of whatever I'm doing. We'll be right back.
सो फाइनली एक घंटे की मेहनत, नहीं एक घंटा तो नहीं लगा होगा, आधे घंटे की मेहनत के बाद मैंने पूरा अरेंज कर लिया है। अरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे ना, इसलिए एक घंटा आधा घंटा लग गया, वरना तो जल्दी हो जाता। तो अभी हो गया है, अब कल मिलते हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू गो, ये बाय, सी यू टुमारो। Forgot the bottle. मैं बहुत सारा बस के अंदर व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि आई वॉज फीलिंग अ लिटिल मोशन सिक एंड मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा था, गुड़ 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 गुड़, तो मैं सो गई थी। और क्योंकि सोने के बाद वो सब नहीं होता, और फिर जब भोपाल आने वाला था तो फिर मैंने थोड़ा सा व्लॉग किया, सुंदर था बहुत नज़ारा, तो फिर मैंने व्लॉग किया थोड़ा सा। अब बस कॉलेज में जाने वाले थे। देयर वर सम नाइस सीनरीज ऑन द वे टू द कॉलेज, गार्डन भी बहुत सुंदर था, वहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। मामा और पापा इंक्वायर करने गए कि एडमिशन प्रोसेस के लिए कहाँ जाना है। मैं इतने ज़्यादा सॉर्ट करके गई थी डॉक्यूमेंट्स सारे, सब कुछ अच्छे से जमा के, पर फिर भी वहाँ जाके उन्होंने अपने खुद का एक लिस्ट दिया जिसके अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना था। और इतनी सारी फ़ोटोकॉपीज़ करवाने के बाद भी कुछ फ़ोटोकॉपीज़ कम पड़ गई, तो फिर मामा वो करवाने गए थे। तब तक मैं और पापा जो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे सही सही, वो हम लोग अरेंज कर रहे थे सेट्स में, जो उनके अकॉर्डिंग लिस्ट थी उस सीक्वेंस में। ये वही हॉल था जहाँ पे सारा एडमिशन प्रोसेस हुआ। अब मामा एक डॉक्यूमेंट ले जाना भूल गए थे, मतलब हम उनको देना भूल गए थे, फिर मैं गई उसको करवाने फोटोकॉपी। फोटोकॉपी मशीन भी वहीं रखी थी, अब मैं जा रही हूँ करवाने फोटोकॉपी वहाँ पे। ये जो भैया थे वो भी बोलने लगे कि तुमने तो बहुत सारी फोटोकॉपीज करवाई। करवाने के बाद भी बहुत सारी करवानी पड़ी, क्या करते। उसके बाद हम लोग बॉन्ड भरवाने, नहीं ये एडमिशन वाला था, मतलब आए थे तो उसके बाद उन्होंने एक वो करवाया था कि आप यहाँ पे अटेंडेंस लगवाई थी,
तो वहीं बैठे थे हम। उसके बाद हम बॉन्ड बनवाने गए पापा के साथ, मैं और पापा बैठे हैं लीगल ऑफिस में, चार चार सेट्स लेके बैठी थी मैं उन्हें अलग अलग करके। अब पापा यहाँ पे पैसे गिन रहे हैं, लॉट्स ऑफ मनी। उसके बाद पता है हम लोगों को ना एक गार्ड अंकल का वो मिला केबिन जो खाली था, जहाँ पे कोई भी नहीं था। तो फिर हम मामा लंच लेके आए थे, तो फिर हमने वहीं पे लंच किया। फिर मैं अपनी आइस टी पी रही थी अपने कॉलेज का व्यू लेते हुए। ये भैया जो ग्रीन शर्ट वाले, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी वहाँ पे, बहुत सारे लोग आए थे उस दिन, बहुत भीड़ थी। Hey everyone, एडमिशन तो हो गया पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और पापा भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। पापा अभी तो कल फिर से आना है, अभी पूरा प्रोसेस हुआ नहीं है, थोड़ा सा बचा है, कुछ डिपार्टमेंट बंद हो गए थे तो वो होगा। मैंने पूरा ब्लॉग बना लिया, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। बाय। फाइनली ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जब एडमिशन प्रोसेस पूरी हो गई थी उसके बाद हम लोग बस घर जाने वाले थे। तो मैंने सोचा उससे पहले थोड़ा सा लास्ट थोड़ा सा और व्लॉग कर लूँ। यहाँ पे बहुत खुशी हो रही थी। उसके बाद उन्होंने बोला है कि अप्रैल में स्टार्ट होंगे कॉलेजेस, पर देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आएगा, उसमें हम लोग कुछ फ़न चीज़ें करेंगे। और तब तक के लिए बाय।